Hello, my lovely students. This is Mansi. Welcome back to the channel. Now we are going to start with the sixth question of exercise 6.4. The question says, prove that the ratio of the area of two similar triangles is equal to the square of the ratio of their corresponding medians. Figures bana lete hain. Do simple se triangle banane hain humne. Ye triangle liya humne. Let's call this triangle ABC. एंड एक और ट्राइंगल लिया हमने एंड इस ट्राइंगल को नेम दे देते हैं पी क्यू आर. अब यहाँ पे हमें गिवन है प्रूव दैट द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल, मतलब ये दोनों ट्राइंगल्स हमारे सिमिलर है. अब इन दोनों ट्राइंगल्स का रेशियो साथ साथ लिखती रहती हूँ मैं, प्रूफ क्या करना है, एरिया ऑफ ए बी सी अपॉन में एरिया ऑफ पी क्यू आर. इन दोनों सिमिलर ट्रायंगल के एरिया का रेशियो इक्वल होगा स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर कॉरेस्पॉन्डिंग मीडियन. तो पहले तो मीडियन बनाते हैं. ए से हम यहाँ पे एक स्ट्रेट यहाँ पे हमने खींचा, एम ले लेते हैं. यहां से हम डायरेक्ट स्ट्रेट लेके जाएंगे, एन ले लेते हैं. सो हमें क्वेश्चन में प्रूव करना है कि ए एम अपॉन में पी एन इसके मीडियन के स्क्वायर के इक्वल होगा. क्लियर, ये समझ में आ गया कि हमें प्रूफ क्या करना है. ठीक है जी, ये क्लियर है. अब स्टार्ट करते हैं. अब यहाँ पे देखो, अगर मैं ए बी सी और पी क्यू आर की बात करूं तो इनका रेशियो, एरिया का रेशियो किसके इक्वल होगा, क्योंकि दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं. सो आई नो एरिया ऑफ ए बी सी अपॉन में एरिया ऑफ पी क्यू आर इक्वल होगा ए एम अपॉन में कॉरेस्पॉन्डिंग साइड कौन सी है, पी क्यू का स्क्वायर. कोई भी ले सकते हो, इक्वल होगा अगेन बी सी अपॉन क्यू आर इक्वल होगा ए सी अपॉन पी आर, मतलब इनके स्क्वायर की इक्वल होगा. ठीक है, कोई भी साइज ले सकते हो. सो फॉर नाउ इसको मैं वन लेट कर लेती हूँ, इक्वेशन वन हो गई है. अब यहाँ पे मुझे प्रूफ क्या करना है, ए एम अपॉन पी एन के. तो ये ए बी अपॉन पी क्यू को ए एम अपॉन पी एन के इक्वल करना है. सो स्टार्ट करते हैं. अब यहाँ पे अगर मुझे यहाँ पे ए बी अपॉन पी क्यू को ए एम अपॉन ए एन के करना है, तो ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल मैं लूंगी और इसको सिमिलर प्रूव करूंगी. सो वी स्टार्ट विद इन ट्राइंगल ए बी एम एंड ट्राइंगल पी क्यू एन. ठीक है जी, ये दो ट्राइंगल्स हैं. अब देखो इसमें क्या मिल रहा है, यहाँ पे हमारा एंगल बी इक्वल होगा एंगल क्यू के. वाई, बिकॉज सिंपली क्यों इक्वल हुआ है, क्योंकि ये ए बी सी और पी क्यू आर हमारे सिमिलर ट्रायंगल हैं और ये उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं. सो जी, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स और सिमिलर ट्रायंगल. ठीक है जी, दूसरी चीज हम यहाँ से क्या लेंगे, देखो ये जो हमारी साइड है, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर है, तो दैट मीन्स ए बी अपॉन में पी क्यू इक्वल होगा बी सी अपॉन में क्यू आर के. क्लियर है, कोई टेंशन है यहाँ पे. ए बी और बी सी, पी क्यू और क्यू आर, ये कॉरेस्पॉन्डिंग साइज है दोनों ट्राइंगल की, सिमिलर ट्राइंगल्स है, तो इनके रेशियो इक्वल होंगे. नाउ आई कैन राइट हाफ ऑफ बी सी अपॉन में हाफ ऑफ क्यू आर. दोनों जगह हाफ हाफ है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में हाफ कर रहे हो तो कर सकते हो. अब हाफ ऑफ बी सी क्या होगा, इस पूरे का हाफ बी एम ले सकते हैं ना, क्योंकि ये मीडियन है, मतलब एम मिड पॉइंट हुआ. तो ये हो गया जी बी एम अपॉन हाफ ऑफ क्यू आर क्यू एम. ठीक है, सो यहां से मुझे मिला कि ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल है बी एम अपॉन क्यू एन के. तो दो हमें साइड्स का रेशियो मिल गया. सो दो चीजें यहां पे हो गई, साइड्स हो गई, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स हो गई ना, ये अब यहां पे लिख देते हैं. चलो ए बी अपॉन में पी क्यू इक्वल है बी एम अपॉन में क्यू एन, यहाँ पे बोल देना. प्रूफ कर चुके हैं हम इस चीज को. अब यहाँ पे तीन चीजें मिल गई, दो साइड्स और एक एंगल. सो मैं कह सकती हूँ दोनों ट्राइंगल ए एम बी, देख लेते हैं मैंने सही नाम लिखा है ना, ए बी एम ए एम बी ए की बात है, सिमिलर है पी क्यू एन के. ठीक है, दोनों हमारे सिमिलर हो गए बाय एस ए एस सिमिलैरिटी. ठीक है जी, यहाँ पे इस सिमिलैरिटी से ही दोनों ट्रायंगल्स हमारे सिमिलर हो गए. अब अगर ये दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर है तो आई कैन राइट के ए बी अपॉन में पी क्यू, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ले रही हूं मैं. सो ए बी अपॉन में पी क्यू इक्वल है
यहाँ पे देखो ए बी अपॉन में पी क्यू इक्वल होगा ए एम अपॉन पी एन के, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड ले ली ना हमने ए एम अपॉन पी एन के, ठीक है यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं है। यहाँ मेंशन करना पड़ेगा कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, या वो ही पूरा लिख लेना कि रेशियो ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग रेशियो ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स आर इक्वल, ठीक है जी। अब यहां पे सिंपली पुट इन इक्वेशन वन, रिमेंबर हमने यहाँ पे एक इक्वेशन ली थी जिसमें हमने कहा था एरिया ऑफ ए बी सी अपॉन में एरिया ऑफ पी क्यू आर, एरिया ऑफ ए बी सी अपॉन में एरिया ऑफ पी क्यू आर इक्वल है हमारा ए बी अपॉन पी क्यू के, यहाँ पे इक्वेशन थी ना ये हमारे पास, ठीक है ऑल्सो इसके स्क्वायर के, ठीक है जी। सो हमें क्या करना है, यहां से हमने देखा कि ए एम अपॉन पी एन के इक्वल है, सो इसको सिर्फ रिप्लेस करना है। सो जी एरिया ऑफ ए बी सी अपॉन में एरिया ऑफ पी क्यू आर इक्वल है ए एम अपॉन पी क्यू की जगह आई कैन राइट ए एम अपॉन पी एन इसके स्क्वायर के। सो यहाँ पे जी यही हमें प्रूव करना था, सो therefore वी कैन सिंपली राइट हेंस प्रूव्ड। ओके जी डन, आई होप प्रॉब्लम नहीं है क्वेश्चन में, सिंपल था थोड़ा सा, जरा सा वो तो यार चलेगा, देखो एक टेंथ क्लास है थोड़ा थोड़ा तो क्वेश्चन में कुछ ना कुछ तो नया आएगा ही। सो ये था हमारा सिक्स क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 6.4। अब हम आएंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बट इन दी नेक्स्ट वीडियो जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो बाय फॉर नाउ।